अब बोलो क्या कह रहे हो। हेलो गाइस, सुनो अज्जू मामा, आप ना सुबह आना, जिससे अगर आप रात को आओगे तो मैं आपसे मिलूंगा कैसे ये बताओ। सुबह तो मिलूंगा ना आपसे, इसलिए। अच्छा कैंपिंग जाऊं फिर मैं? हाँ जाओ। ओके बाय, सुबह जल्दी आना। पक्का प्रॉमिस करो। प्रॉमिस यार ले, पिंकी प्रॉमिस। जाओ बाय, ठीक है आराम से, कितना मत ऐसे। चलो चलो चलो, तुम दोनों से हो गया, बाय। ओए हेलो दोस्तों, वेलकम बैक, फिर से स्वागत है आपका हमारे एक और। ओके बाबू, कैसे हैं आप सब लोग? तो सबसे पहले आप सभी को होली पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो फिलहाल के लिए आपने हमारा इंट्रो देख ही लिया भाई, तो ये मेरे भानिज और भांजी थी। चलो हाँ भाई, टेंट है, जब तक मैं आपको पहुंचा दूं। नहीं नहीं मुझे मत पहुंचाओ, ठीक है बाय, अभी तुम यहीं रहो, बाय। हाँ बाय बाय टाटा। अच्छा और इस तरफ देखिए, ये हमारे अंशुल भाई। हेलो हेलो, तैयारी में, ये तो आपने देखा होगा लास्ट वीडियो में इनको। ये अमित जी है हमारे, तो हेलो हेलो, ये हमारे मतलब कैंपिंग के शुरुआत के पार्टनर है। क्यों? और इस तरफ देखो भाई, इनका इंतजार चल रहा था, अभी ये तीसरे बंदे नीरज भाई, इनको भी आप जानते होंगे, कैंपिंग इनने भी की है। नमस्कार। जैसे कि मैंने कहा था ना, बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं, तो भाई सारे दोस्त आ चुके हैं, इतने ही हैं हम चार बस। चलो यार, अभी ऐसा है कि ये जो प्लान बनाया है भाई, ये बहुत टाइम से पेंडिंग प्लान है। होली में आएंगे जाएंगे कैंपिंग, ये सब पहले से बातें होती रही थी। निकल रही अभी हम लोग, देखो ये लोग आगे आ गए थे, दो भाई लोग आगे साइड, अमित जी बैठे हैं और पैदल पैदल मोटे पार्ट लग रहे हैं। अमित जी कैसी जगह है? नाइस, वेल, एकदम शानदार जगह। अंशुल जी आपको जगह कैसी लगी? बहुत ही बढ़िया, शानदार, मजा आ गया। ऐसी जगह चाहिए थी ना? अरे तो मस्त जगह है भाई। तो चलो यार भाई, जंगल है प्रॉपर, देखना। ठीक टाइम पे पहुंच चुके हैं हम, वैसे चूल्हा बनाने के लिए सब है यहाँ, लकड़ी भी मिल जाएगी। गुरु जी आपको कैसा लग रहा है? ये हमारे प्यारे गुरु जी है, सबसे ज्यादा मजे आते हैं यार भाई। मतलब आपने देखा होगा, जब भी गुरुजी हमारे साथ होते हैं फुल कॉमेडी होती है। यहाँ पे क्या टेंट है? नहीं तो वहाँ लगाएंगे ना। ले एक पन्नी भी मिल गई, इसमें बकरियाँ भर लेते हैं। बकरियाँ बोले तो भाई चीड़ के जो फूल होते हैं ना, उनको भर लेते हैं, काफी अच्छी आग जलती है उनसे। भाई लोगों, आप खाने वाली बकरी मत समझिए, वो भी खिलाएंगे आपको। ये सुन तो सही, क्यों ना बच्चे, भाई लोगों आप खाने वाली बकरी मत समझना, मतलब इसके नजर में बकरी खाने की ही चीज है बस। चीड़ के फूल हैं, ये कच्चे हैं यार, जो कि शोपीस के काम पे भी आते हैं। अंदर से एक फल निकलता है, बहुत महंगा बिकता है वो। है बाहर के लगे 30,000 रुपए किलो। 30,000 रुपए किलो, बहुत पतली पतली वो निकलती है, तरबूज के जो बीज होते हैं ना, तो उसी टाइप के होते हैं, मस्त एकदम स्वादिष्ट होते हैं। अंशुल भाई बता रहे हैं कितने रुपए किलो? 30,000 रुपए किलो। बाप रे, इसी का बिजनेस करते हैं, छोड़ ही सब काम। अच्छा दोस्तों, अभी शाम भी हो चुकी है, तो कपड़े वपड़े बढ़िया से फिट हो लेते हैं, क्योंकि ना ठंडा लग जाएगा तो दिक्कत हो जाने वाली है। फिलहाल के लिए लकड़ियों की व्यवस्था करते हैं, जिससे कि रात अपनी आराम से कटे, कोई दिक्कत परेशानी ना हो रात में। बढ़िया से इतने मिल गए, बस छोटी लकड़ियाँ भी मिल जाएंगी, तो अपनी रात कट जाएगी। और खाना भाई, जो आग में बनाने का मजा होता है ना भाई, वो किसी और चीज़ में नहीं होता है। गुरु जी आप क्या लाए मतलब इतनी देर से? ये पावरफुल लकड़ियाँ हैं भाई।
कौन कहता है लकड़ियाँ नहीं है, इतनी लकड़ियाँ हैं बताओ, कुछ लकड़ियाँ यहाँ हैं। अब देखो भाई, आज ही आज कोई पार्टी करके गया है, देखो सब ऐसे कूड़ा फैला के गए हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं भाई, यही है यार, देखो किसी को ना अपना इंजॉयमेंट ना देना है, बस ये चीज़ से कोई ध्यान नहीं देता है। देखो दुनिया भर की बियर की ये वो की बोतलें हैं, दुनिया भर की चीज़ें हो तो ऐसी जगह रिस्की होती हैं, लोग इनको ले भी नहीं आते हैं, सबसे गंदी बात तो क्यों गुरुजी? गंदी हैबिट है यार इन लोगों की। दोस्तों अभी कुछ सामान भूल गए थे यार, तो उसको लेने के लिए गए हैं, तो वापसी हो गई है वैसे हमारी। मेरे ख्याल से भाई लोगों ने आग वाग तो जलाई दी होगी, क्योंकि ना उनमें से एक आदमी ऐसा है कि जो आग जलाने में एक्सपर्ट है। पहुँच गए हम वैसे लोकेशन पे, देखो क्या तैयारी है भाई लोग की। हाँ आग तो जल गई है, देखो ओ बहुत सही, जैसा कि मैंने कहा था ना भाई लोगों ने आग जला दी होगी करके। ये टेंट ले आते हैं अभी फिलहाल के लिए, और टेंट लगा लेते हैं क्योंकि आग जली चुकी है अपनी, और टेंट हो जाएगा तो फिर दिक्कत नहीं रहेगी, है ना सेफ। चलो अमित जी हम टेंट लगाते हैं, गुरुजी आओ इधर पे लगा लेते हैं, कैसा गाड़ी के बगल में थोड़ा चलो जी दोस्तों, अभी अपना सेटअप वेटअप तो भाई पूरा हो चुका है, क्योंकि हमारे साथ भाई भुक्कड़ लोग हैं, इनको टाइम से नहीं खिलाए ना तो ये सुनाएंगे फिर मेरे को, क्यों गुरु जी? अच्छा ना, हाथ वगैरह धो लेते हैं, कटिंग वटिंग करेंगे, चॉपिंग वगैरह, खाने की तैयारी, क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं तो टाइम से तैयारी भी करेंगे, कोई चाय बनाएगा तो कोई खाना बनाएगा। चाकू पिन ना दे, साइड ही रख दे, पीछे साइड मैट है, इसमें बैठते हैं, कुर्सी में कहाँ बैठने में लगा है, सब बढ़िया कुर्सी हटाओ खाली, क्योंकि दो ही कुर्सी है, चार लोग हैं, बच्चा बिछा रखा है, 200 ग्राम की पूरी पूरी डब्बी लगेगी ये लग रहा है मुझे, ये तो लगी जाएगी ना। अंशुल जी की भाई दो टाइप की रेसिपी बन रही है आज, नथिंग दैट है, क्यों नहीं जा पाई ब्रो, आई विल। गुरु जी मतलब अंशुल जी खाना वाना कैसा बनाने वाले हैं वैसे? भाई खाना तो एक नंबर बनाता है, सॉलिड है यार, सॉलिड है। चिकन कुछ ज्यादा ही आ गया है ना, इसलिए हम लोग कुछ रोस्टेड बना रहे हैं, ये चिकन आ गया है ज्यादा, कुछ ज्यादा ही, क्योंकि अपना जो बर्तन है ना वो छोटा हो रहा है, तो इसलिए कुछ ऐसे रोस्टेड वाला बना दे रहे हैं हम। मल्ली बड़े, चलो जी आज भाई फुल मजा आने वाला है, क्योंकि ज्यादा मेरे को कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काम ऐसे बटा हुआ है ना, तो सबको सबके पास कुछ ना कुछ है काम, सब बटा हुआ काम है यार। एक कपड़ा दे देना, मेरे रुमाल जल उबल थे, बहन में नूने थे, कौन अच्छा हो ना मेरे, क्या अच्छा बना बच्चे है, एक आदमी प्याज टमाटर काट दे। अमित है तू मेरी हेल्प कर दे, हाँ प्याज वगैरह काटते हैं, क्योंकि प्याज बहुत है, एक किलो प्याज है पूरा, और खीरा वगैरह भी काट लेते हैं बढ़िया से। कुछ सूखा सूखा वाला बना दिया चिकन, पका होगा ये, फ्राइड है, पका नहीं है, फ्राइड है, अभी तो प्याज बहुत है। चावल वो उसमें बन जाएगा जो कल बड़ा वाला था, जिसमें जो वो बनाया था, भजन बन जाए। सच बताओ यार, इसका दिन का भयंकर, बहुत दिन से इंतजार नहीं था यार, इंतजार तो पहले से ही था, कब बैठेंगे कब बैठेंगे कब, नहीं था अंशु एक साल उल्टी उल्टी गिनती शुरू हो रही थी, कब होली आती है, कब मिलेंगे सब साथ में, और कब ऐसे कैंपिंग जाएंगे करके, क्यों लास्ट टाइम बहुत टाइम पहले मिले, और कैंपिंग करने की बहुत टाइम पहले भी सोची भी थी, कैंसिल ही नहीं हो जाते थे प्लान, उस टाइम पे पहले प्लान कैंसिल यार, वही तो हुआ ना, कभी कोई कहीं कभी कोई कहीं हुआ ना यार, वही क्यों गुरु जी? गुरु जी के साथ भी आज काफी टाइम बाद हो रही है कैंपिंग है, एक साल बाद, एक साल हो गया, पिछले साल हमने की थी फरवरी के महीने में, रोड में रहना मतलब बड़ी बात है उस टाइम पे, अब तो खैर बाणासुर के किले कैंपिंग कई चीजों से सरल हो गया है ना, सामान वान भी बहुत हो गया है, अब तो एसेसरी इतनी मिलने लगी है यार, सबसे बड़ी कुछ भी नहीं था, सिर्फ फोन के अलावा
सड़क आ गई ना मोदी जी की सरकार में, सड़क हर जगह प्रचार प्रसार ना कीजिए कृपया। चुनावी चुनावी मुद्दा ना छेड़े। आचार संहिता वैसे लगी है तुम्हारे पे लगा दी जाएगी। सो गाइज आप लोग देख सकते हैं अंसुल ब्रदर चावल बना रहे हैं, चावल का भी अलग ही टेस्ट है इनका। कौन सा मसाला चुटकी वाला डालते हैं? अरे चुटकी पुटकी सब डालते हैं। तो गुरु पता है उस टाइम पे जब हमने पहले कैंपिंग करी थी भाई, उसमें प्याज टमाटर कैसे काटते थे? थाली पे चॉपिंग बोर्ड कहाँ था? चॉपिंग बोर्ड था ही नहीं, उल्टी थाली पे काटते थे। याद है उधर का वो सबसे पहली कैंपिंग रूंज वाली अभी फोटो खींचेंगे ना बढ़िया से मस्त है, गुरु जी खींचेंगे फोटो। मेमोरी भी नहीं है। तो देखो दोस्तों, प्याज टमाटर और इसमें दो तीन टाइप के नमकीन मिला करके हमने भेलपुरी टाइप की बना दी है। इसमें नमक भी डालूं क्या भाई? थोड़ा हल्का सा इसमें नमक हो और चाट मसाला होता तो मजा आता, चाट मसाला नहीं है। अरे दो चीजें मिस है पता है इसमें अमित, है अगर इसमें ना नींबू पड़ जाता ना और अलग ही रौनक नींबू पड़ता तो फिर तो टेस्ट ज्यादा हो जाता। गुरु चाकू भाई ऐसे फाड़ मत, है नमकीन बाबा इसको रख दे। लो नीरज भाई ये आपके है, ठीक है चलो एंजॉय आपके साथ सस्ती भेलपुरी भाई। अभी खाऊंगा मजा आ गया। अबे देखियो ये बटर गढ़ने दो या पहले ही डाल दूं? खड़ा मसाला डाल दूं? तुम डाल दो, खड़ा मसाला हो गया ये। ठीक है सारा डाल दो एक साथ ही, बटर चिकन बन जाएगा फिर बढ़िया से। अरे वो अलग उसकी रेसिपी अलग होती है, मिक्सी वगैरह अच्छी होती है उसके लिए, लेकिन पूरा ग्राइंड करने को चाहिए बटर चिकन ही हुआ एक हिसाब से, लेकिन पहाड़ी वाली पहाड़ी बटर चिकन है। संसार नजरअंदाज करता है पर हम नहीं करेंगे। हम ना तो कलर बाग बड़ी ठीक है, बस बस नहीं यार अभी तो क्या कर देता है उम्र है ध्यान देना, पाँच किलो नहीं तो तकड़े बनाएगा नहीं मजा रहा। ये है चिकन मसाला भाई, कभी चिकन में ना मीट मसाला डाल के देखना बड़ा मजा आता है, टेस्ट बढ़िया आता है। क्यों सुन जी मीट मसाला ठीक है, चल थोड़ा देर अच्छे ही बनाने के पानी पानी ले ठीक है। चलो भाई थोड़ी सी इसमें डाल देंगे मिर्ची, इतनी डालूं घर की? हाँ बहुत तीखी होती है ये, गरम मसाला हो गया। ग्रेवी ज्यादा नहीं बनी है, लटपट वाला अपना चिकन बना है। चलो फिर बैठो आप, मैं परोसता हूँ सबके लिए। चावल डालता हूँ आ गया ना गुरु, दिखने में ही गजब लग रहा है, खाने में तो और गजब होगा, मजेदार। ये देखो एक पीस तू ले निकाल, पका मजा आ गया।
गुरु जी आप इसमें खा लोगे कटोरी में बैठो भाई। काफी देर अभी हम लोगों ने डांस वांस किया तो अभी थोड़ा सा भाई लोगों ने बोला कि यार चलो डांस वांस शूट मत करना करके, तो शूट नहीं किया, ऐसे ही फुल मजे ले रहे थे। लेकिन चारों ने एंजॉय तो किया ना बहुत ज्यादा, फुल मजे आए हैं यार अमित जी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। क्यों आपको मजा आया? बिल्कुल यार। अंशुल जी अब कौन है आप भाई ये नहीं बताएंगे हम, कमेंट करके बताना कौन है करके। अब भाई दोस्तों में ऐसा चलता है, खैर उससे देख। अरे हाँ वो काटना पड़ेगा यार, खीरा वगैरह भी तो काटना पड़ेगा। गुरु छिल रहे अरे तेरे पेट भर के भर लो, दिक्कत जिन ले बाहर बहुत चले यही खाते हैं इधर। हाँ सब इधर पे बैठ के खाते हैं ना। ये आपका है अमित जी, सजावट लेग पीस। अंशुल जी आपका है, बाकी इसमें से लेते रहना ठीक है। अच्छा तो सही है, शुरू करो लपेटते हैं फिर। सॉरी गाइस हमारे यहाँ पर थोड़ी बर्तन की दिक्कत है। कोई नहीं कोई नहीं, देखिए हमारे पास अपने पास सारी उपयोग है, ऐसा रखा बताना गाइस। पकड़ो रे मजा रो। गुरु जी मजा है, कैसा हुआ है पूछना ही नहीं हुआ यार। बटर का मस्त फ्लेवर आया है ना। अभी तक दोस्तों बिहाइंड द सीन वाली मस्ती बहुत की, तो उसको शूट नहीं किया और भूल भी गया था शूट करना, और बाकी फुल मजे ले रहे यार है ना, तो फुल मजा आ गया। लास्ट में भाई बढ़िया भर पेट खाना खाएंगे, अभी सोएंगे नहीं। हाँ अभी नहीं, आग में बैठते हैं। तो चलो दोस्तों अभी ऐसा है कि सभी लोग देखो कैसे। तो चलो दोस्तों खाने पीना हो चुका है, भाई लोग सो गए हैं, तो भाई तकिया चाहिए तो मैं उसको लगा लूंगा पीछे साइड। गुरु जी सो जाए फिर, आग बाग में पानी वानी डाल देते हैं क्योंकि यार गाड़ी वाड़ी पे भी आग फैल सकती है, तो रिस्क नहीं लेने का। गुड नाइट स्वीट ड्रीम्स, मिलते हैं आपको मॉर्निंग पे। हाँ तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, सुबह हो चुकी है भाई, और काफ़ी अच्छी तरीके से भाई रात कटी, तो नींद वींद भी काफ़ी सही आई, मतलब मज़ा आया था। लेकिन बस वही था कि मैं ना वो उसके ऊपर के जो वेंटिलेशन वाले ये थे तो इनको खोलना भूल गया। देखो जैसे कि टेंट के फासे ये होता है, अरे ये था ना, इसकी वजह से क्या है कि जो बाहर की ओस है पूरी की पूरी अंदर आ गई, और कल भयंकर ही वाली ओस गिरी थी, तो लेकिन नींद अच्छी आई, ऐसी बात नहीं है, सुबह ही खुली। अमित जी गुड मॉर्निंग ब्रो। गुड मॉर्निंग भाई, कैसी रही? बढ़िया यार, एकदम नींद अच्छी है। बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। चलो चाय की तैयारी चल रही है, चाय रेडी है, होगी रेडी, चाय रेडी है भाई, पूरी दूध ही दूध की चाय है, एकदम मस्त यार, बहुत बढ़िया। चाय का रंग नहीं बता रहा है भाई, चाय अच्छी बनी होगी करके। उधर उधर बन चुका है क्यों, लाइट लाइट ना बैले देती है प्राचीन जल्लू कर दो।
तो चलो तो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया बर्तन वर्तन साफ किया, पैकिंग वैकिंग काफ़ी टाइम लग गया, और अभी लगभग सुबह का पता है कितना बज रहा है, 9:40। और आसपास भाई जो भी मेरी तरफ से की गई गंदगी थी वो मैं साफ करके गया हूँ। भाई इतना साफ करना तो पॉसिबल नहीं है जो लोगों ने कर रखा है, देखो वहाँ वहाँ तक सभी जगह दिखेगा। तो चलो दोस्तों, अभी इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। होप करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर से पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी का मिलेंगे आपसे एक और नई कैंपिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टिल देन बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।